हेलो एंड वेलकम टू टेली टॉकीज। दोस्तों, बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर निमृत ने क्यों की प्रियंका की बिग बॉस से शिकायत? जी हाँ, क्या कुछ हुआ और क्यों निमृत को शिव ने रोका? चलिए हम आपको बताएंगे पूरी की पूरी खबर इस रिपोर्ट में टेली टॉकीज की। लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं। बिग बॉस सीजन 16 के घर के अंदर निमृत कौर अहलूवालिया बीती रात कैमरे के सामने खड़ी होकर प्रियंका की शिकायत करती हुई नजर आती हैं। जी हाँ, ये कहती हुई नजर आती हैं कि बिग बॉस मुझे आपको मैसेज देना है। हालांकि शिव भाग कर जाते हैं और निमृत को रोकते हैं और कहते हैं कि निमृत तू बिल्कुल भी ऐसा मत कर, तू गलत कर रही है। बिग बॉस अगर कन्फेशन रूम में बुलाकर उससे पूछे तो बात अलग होगी, लेकिन अपनी तरफ से फिजूल में मुद्दे को मत उठा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसी दौरान बिग बॉस लाइव फीड को जानबूझ कर म्यूट करते हैं। बहुत ही मुश्किल से खींच कर निमृत को शिव वापस कमरे में लेकर आते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि ब्रो, यही तो उनका गेम है और अगर यही तूने कर दिया, तूने यही मैसेज दे दिया बिग बॉस को, तो ऐसे में तो वो जीत जाएंगे। साफ लग रहा है कि निमृत के हाथ से कैप्टनसी जाने के बाद निमृत पागल हो चुकी हैं और निमृत अब लगातार प्रियंका की शिकायत बिग बॉस से करना चाह रही हैं, जिससे एक बात साबित हो रही है कि कहीं ना कहीं बिग बॉस प्रियंका को कहीं कोई पावर देने की प्लानिंग तो नहीं कर रहे, क्योंकि तभी बिग बॉस ने अलग अलग कंटेस्टेंट्स को बुलाकर प्रियंका के बारे में पूछा भी था। यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि बिग बॉस ने निमृत से प्रियंका के बारे में नहीं पूछा और ऐसे में निमृत बिग बॉस को ये बोलती हुई नजर आती हैं रूम के अंदर आकर शिव के सामने कि बिग बॉस, इस लड़की ने हद कर दी है और आपको क्या लग रहा है कि ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानेगी? क्या ये इंग्लिश में बात नहीं करेगी? ये और टीना जानबूझ कर अब ये सब करेंगे, जिससे एक बात क्लियर हो गई कि कहीं ना कहीं प्रियंका ने इंग्लिश में बात की है, टीना ने इंग्लिश में बात की है, जिससे निमृत को झटका लगा और कैप्टनसी गई। वेल, आप क्या कहेंगे? क्या आपको भी यही लगता है कि निमृत को यही मैसेज देना था बिग बॉस को? कमेंट्स में आप अपनी राय लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।